देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। राजनीति में अनुशासन की बात करने वाले बीजेपी के मंत्रियों का कुछ दिन पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके पार्टी के महामंत्री भूपेंद्र सवनी के बीच हुई भिड़ंत का वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें सियासतकारों ने सियासत की शुरुआत कर दी। सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये वायरल वीडियो। कुछ दिन पूर्व बजट पर बुद्धिजीवियों से चर्चा करने रायपुर पहुंचे केंद्रीय विमानन आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी पार्टी पदाधिकारियों से औपचारिक रायशुमारी कर रहे थे। इस बैठक की सूचना पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को नहीं थी। प्रदेश कार्यालय पहुंचने के बाद अजय चंद्राकर को जब केंद्रीय मंत्री की पदाधिकारियों से चल रही औपचारिक बैठक की जानकारी मिली, वो भड़क उठे। मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया, ठीक कर दूँ मुझे। पहले तो चंद्राकर बैठक हॉल के भीतर गए और एक मिनट से भी कम वक्त में बाहर निकल आए। बाहर आने के दौरान उनके चेहरे का हाव भाव बता रहा था कि हालत में गर्माहट है। चंद्राकर बाहर आकर बैठ गए। इसके बाद जब बैठक खत्म हुई और हरदीप पुरी बाहर आए, उन्होंने अजय चंद्राकर से बाहर आने का कारण पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो बैठक में अपेक्षित नहीं थे। इस पर मामले पर कांग्रेस सरकार के विशिष्ट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की अंतर विरोध की शुरुआत छत्तीसगढ़ गठन के दिन पितृपुरुष पर हमले से हुई है, जो आज भी जारी बीजेपी वन मैन शो की राजनीति करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि नाराज हैं। एकात्म परिसर में पितृपुरुष के ऊपर हमले से शुरुआत हुई है और आज पर्यंत ये जारी है। छत्तीसगढ़ में केवल वन मैन शो की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। सारे कार्यकर्ता, सारे जनप्रतिनिधि उनके नाराज हैं। कल अजय चंद्राकर जी की तलखी भी इस बात का सबूत है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के वीडियो वायरल होने से पार्टी की छवि खराब ना हो, इसलिए पूर्व अध्यक्ष मोहन अग्रवाल ने कहा ये कि घटना एक इंसिडेंट है। अगर पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि को लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो उसने उसकी प्रतिक्रिया दी है। ये पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, ऐसी घटना अनजाने में हो जाती है। मेरे साथ ठीक नहीं हुआ तो उसने उसकी प्रतिक्रिया दी है और इसलिए व्यक्तिगत मामला। बीजेपी के मंत्रियों के वीडियो वायरल होने से सियासत इस तरह गर्माई कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को हताशेफ करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज, रायपुर।